जुड़े हुए हैं। शिवम जरा तस्वीरें दिखाएगा, अपडेट इस वक्त का बताइएगा, क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें और कितना उत्साह लोगों में। देखिए शिकारपुर ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जो आबादी है वो बहुत ज्यादा नहीं है और धीरे धीरे करके मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल अभी कतार आपको नजर नहीं आ रही होगी प्रगति, लेकिन जैसे जैसे मतदाता आ रहे हैं उनका जो वोटिंग है, मतदान कर्मी है, जो मतदान दल यहाँ पर है वो उनकी वोटिंग करा रहे हैं, उनका मताधिकार का इस्तेमाल करा रहे हैं। मतदाताओं का फिलहाल यहाँ पर नहीं है और कुछ मतदाता यहाँ पर हैं जो वोट करने के लिए आए थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने मतदान किया। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये वही पोलिंग बूथ है प्रगति जहाँ पर कमलनाथ थोड़ी देर बाद आएंगे, नकुलनाथ आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह हालांकि फिलहाल नहीं नजर आ रहा, लेकिन न्यूज स्टेट के जरिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालने जरूर आना है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में आपको अपने वोट की आहुति जरूर देनी है, क्योंकि यही एक दिन है जब अपना आप प्रत्याशी चुनते हैं, अपना एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और इस दिन आपको वोट डालने जरूर आना है। फिलहाल छिंदवाड़ा में मतदान को लेकर अलग अलग पोलिंग बूथों पर व्यवस्था की गई है, मतदान दल कल तक पहुंच गए थे, सुरक्षा को लेकर भी तमाम माकूल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो गढ़ बचाने वाली बात है कि क्या कमलनाथ अपना गढ़ बचा पाएंगे, क्या नकुलनाथ अपना गढ़ बचा पाएंगे, जो विरासत उन्हें मिली है राजनीति की नकुलनाथ को, क्या उसे बरकरार रख पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला यहां पर बेहद कड़ा देखने को मिल रहा है, और देखिए थोड़ी देर बाद यहां पर कमलनाथ भी आएंगे, पहले का पास में हनुमान मंदिर है वहां वो दर्शन करने के लिए जाएंगे, और फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आ गए हैं, वोट डालने आए हैं। बिल्कुल, और चलिए ठीक है, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास वोट डालने में पहुंचे हैं। और चलिए ठीक है, आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा। हम एक बार फिर से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, भीड़ काफी दिखाई दे रही है मतदान केंद्र पर, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए आप। देखिए बिल्कुल, भीड़ जो है मतदान केंद्र पर सुबह से ही देखने को मिल रही है, सुबह 6 बजे से ये भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, 6 बजे के पहले से लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। शहरी क्षेत्र में है हम, बस्तर लोकसभा सीट की, बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो देश में ये वो सीट है जहां पर नक्सल प्रभाव है, नक्सल प्रभाव के चलते कई इलाके जो है अति संवेदनशील माने जाते हैं, और अति संवेदनशील में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता की गई है, निर्वाचन आयोग का पूरा ध्यान उन सीटों पर है और सुरक्षा के लिए तमाम पैरामिलिट्री फोर्स जो है यहाँ पर बुलाए गए हैं। लोगों की भीड़ की अगर हम बात करें, लोगों की कतार की अगर हम बात करें, तो एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि आप कैमरा उठाइए और दिखाइए कि जिस मतदान केंद्र में हम लोग खड़े हुए हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर जो है यहाँ पर है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं ये खूबसूरती की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये खूबसूरती है लोकतंत्र की, ये खूबसूरती है लोगों के हौसले की, और ये खूबसूरती है अपील की कि लोगों से अपील की गई, उसके बाद ये लोगों का हुजूम जो है वो मतदान केंद्रों में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कतार जो है शहरी क्षेत्र की है, लेकिन इसी तरीके की कतार जो है वो ग्रामीण इलाकों से भी निकलकर सामने आ रही है। लगातार भीड़भाड़ भरा माहौल है और कुछ लोग जल्दी आए थे वो मतदान करके चले गए, कुछ लोग थोड़ा सा लेट आए हैं तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा और ज्यादा लेट आए हैं वो सबसे पीछे लगे हुए हैं। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? अभी तो आया हूँ। अच्छा, इसके पहले वोट डाला है आपने? डाले हैं लोकसभा में। इस बार क्या आधार रहने वाला है मतदान का? सेम रहेगा, इस बार 400 पार रहेगा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया। इस बार आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं बस 10 मिनट हुआ है। क्या आधार रहने वाला है इस बार मतदान का? बस देश के लिए अच्छा, जो भी पार्टी आएगी अच्छा करे ये सोचकर वोटिंग करेंगे। आप कितनी देर से इंतजार कर? अभी अभी आया हूँ। अभी आपका हो गया मतदान? डाल दिया जी। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे मतदान का? कितनी देर से इंतजार कर रहे थे वोटिंग का? लेट हो गया ना? नहीं, ज्यादा देर नहीं। आप अब भी पहुँचे हैं जस्ट? जी प्रभु। लेट हो गए हैं क्या? नहीं, अभी बस सो उठा तुरंत आ गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मतदान बूथ क्रमांक है यहाँ पर 117, एक महिला है, बुजुर्ग महिला है वो मतदान। आपने वोट डाल दिया? नहीं डाली हूँ, आधार कागज के लिए। अच्छा, आधार कार्ड लेने जा रही हैं? ठीक है, तो आधार कार्ड लेने जा रही हैं वो मतदान करने,
पहुंची थी। आप कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? अभी 10 मिनट। तो देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है कितना तंग होते जा रहा है, लोगों की उत्सुकता के चलते, लोगों की भीड़ के चलते 2 से 3 जो है वो अलग अलग कतारें लगी हुई है। एक मतदान केंद्र जो है ये है, यहाँ पर भी 2-2 लाइन लगी है, एक महिला हो। बिल्कुल अंकुश, लौटेंगे और ये जो चुनावी रंग है इसको लगातार दिखाते रहेंगे। इसके अलावा हम लगातार वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो इस बार मैदान में हैं और जिनके लिए मतदान किया जा रहा है, और तमाम जो खबरें इलेक्शन से जुड़ी वो दिखाते रहेंगे। देखिए पहले घंटे में इस तरह का उत्साह और कई वीआईपीज भी पहुंच चुके हैं, वहीं लगातार वोट की अपील भी हम आपसे कर रहे हैं। एक्टर अनुपम खेर ने भी लोगों से वोट करने